हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स फैमिली। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो बार बार रिपीट होते हैं, और इसी सीरीज़ को मैं आपके सामने आगे भी पढ़ाऊंगा। आइए, आपके सामने का पहला क्वेश्चन एक किरण की किताब से है। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा आदमी जिसको किसी भी पेशे का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है उसको क्या बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बैटरन। बैटरन मतलब होता है किसी भी ऑक्यूपेशन का, किसी भी पेशे का एक लंबा अनुभव ही बैटरन कहलाता है। अपने क्षेत्र का एक लंबा अनुभव होना बैटरन। जीनियस का मतलब आप समझते हैं, सीजन का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये एक लंबा एक्सपीरियंस होता है किसी खास एक्टिविटी का। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एम्बिडेक्स्ट्रस एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का एक साथ यूज़ कर लेता है, वो एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। तो लॉन्ग एक्सपीरियंस, दैट इज़ कॉल्ड वेटरन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के हिसाब से, वर्ड रिटन ऑन अ टॉम्ब, दैट इज़ कॉल्ड एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब होता है समाधि लेख, है ना। टॉम्ब मतलब होता है समाधि या कब्र, कब्र पर लिखे जाने वर्ड एपिटैफ कहलाते हैं, समाधि लेख। अगला आपके सामने, स्टेल्थली डन। स्टील का मतलब क्या होता है, चुरा कर। तो कोई भी काम जो चुरा कर किया गया हो, गुप्त तरीके से किया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड सरेप्सियस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गुप्त तरीके से इसका मतलब है। अगला शब्द आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सभी एग्जाम्स में आता है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। कोई ऐसी चीज़ जो अब उपयोग में नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गई है, उसको आप बोलते हैं ऑब्सोलीट। क्या बोलेंगे आप, ऑब्सोलीट। जैसे कि ऐसा कोई शब्द या कोई भी शब्द या कोई भी वस्तु जो प्रचलन से बाहर हो गई। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम सभी के साथ विल नाम की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, सेल को हम क्या करते जा रहे हैं, ऑब्सोलीट करते जा रहे हैं, प्रचलन से बाहर करते जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्सोलीट, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। एक ऐसा आदमी जो कंसर्न मतलब कि मतलब नहीं रखता है किससे कि क्या सही है और क्या गलत है, दैट इज़ कॉल्ड अमोरल। क्या बोलेंगे आप उसको, अमोरल। अमोरल का मतलब होता है दुराचारी, जिसको सही गलत से कोई भी मतलब नहीं है, सही गलत से जिसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मोरल का मतलब आप समझते हैं नैतिक होता है, जबकि इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, है ना। नैतिक, अनैतिक, और इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अमर, जो कभी नहीं मरता है, अमर इमोर्टल कहलाता है। तो हमारा आंसर होगा अमोरल, सेकंड नंबर का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। एक ऐसा आदमी जो अपोज करता हो किसको, वॉर को, मतलब कि जो वॉर युद्ध के पक्ष में नहीं है, और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। एक ऐसा आदमी जो युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है, क्या कहेंगे आप हिंदी में, हिंदी में उसको कहेंगे आप शांति प्रिय, जो शांति को चाहता है शांति प्रिय कहलाएगा। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में शांति को आप बोलते हैं जी पीस। क्या बोलते हैं, पीस। तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब शांति प्रिय, जो शांति पसंद करता है, पर्सन हु अपोजेस वॉर। आइए अगला क्वेश्चन उनके सामने, सेवियरली अब्यूसिव राइटिंग इन जनरल। एक ऐसी राइटिंग जनरल में जो अब्यूसिव राइटिंग, अब्यूसिव का मतलब होता है गाली देना, अवहेलना करना किसी की, दैट इज़ कॉल्ड सरलेस, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉल अपॉन गॉड फॉर एनी अदर पावर लाइक लॉ ETC फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। दैट मीन्स हेल्प के लिए किससे, या तो गॉड से हेल्प मांगना या लॉ मतलब कि कानून से हेल्प मांगना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रार्थना करना, कॉल अपॉन गॉड, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, हेल्प के लिए प्रार्थना करना क्या कहलाता है, इन्वोकेशन कहलाता है। याद रहे, प्रे नहीं लगाना है, प्रे एक नॉर्मल प्रार्थना हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट, फियर ऑफ बींग क्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। फियर ऑफ बींग एनक्लोज्ड, है ना, मतलब कि छोटी जगह में बंद रहने के डर को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया।
क्या बोलेंगे आप, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया होता है बंद जगह से डर। ज़ेनोफोबिया होता है बाहरी व्यक्ति से डर, दैट इज़ कॉल्ड विदेशी व्यक्ति से डर, है ना। अनजान व्यक्ति से डर को भी आप ज़ेनोफोबिया बोलते हैं, है ना। पैरोनिया क्या होता है, आपका एक इस प्रकार का डर जो इंसानों से ही है, अनजान इंसान से डर, लेकिन उसकी कोई वजह नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड पैरोनिया। एंड एगोराफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। अभी हमारा आंसर होगा क्लस्ट्रोफोबिया, बंद जगह से डर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट और ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक ऐसा आदमी जो ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाता है, आप खुद बताएंगे उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्ट। क्या बोलेंगे आप, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाना, मेनली ड्रग्स वगैरह के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड एडिक्ट। अच्छा, नीचे वाला जो एडिक्ट होता है, दिस इज सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड आदेश पत्र, है ना, आदेश पत्र। अगला आपके सामने लिखा हुआ है नीचे डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, कैसे करके, डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डेरिलिक्शन का मतलब होता है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने में असमर्थता ही डेरिलिक्शन कहलाती है। डेरिलिक्शन का मतलब होता है लापरवाही। तो डेरिलिक्ट का मतलब क्या होगा, लापरवाह, नाकारा, है ना, वो डेरिलिक्ट हो गया। इसी प्रकार एडिक्ट का मतलब क्या बताया, आदेश पत्र। और ऊपर वाले एडिक्ट का मतलब क्या बताया, किसी भी चीज़ का आदि हो जाना, जो हमने पढ़ा डिपेंडेंट ऑन समथिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और यही आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बड़े ध्यान से इनको लिखते चलें। थैंक यू सो मच।